हो गई खिचड़ी तैयार। आज तो मैं देख ही रहूंगा कि दाइमा मेरे खाने में क्या क्या डालती है। तो जासूसी हो रही है मेरी। अब लगाते हैं तड़का। ये रहा घी, जीरा और हिंग। मसाले। ये डाला घी। अब डालेंगे हिंग और ये है जीरा, अजवाइन, लाल मिर्ची और हल्दी। ये हो गया मसाले तैयार। हिंदुस्तानी मसालों की तो बात ही कुछ और है। तू मुझ पे कितनी भी नजर रख ले बेटा, जो मैं तेरे पैरों के लिए कर रही हूं वो तुझे कभी नजर नहीं आएगा। जगी जी, आप इस स्टोर रूम में नहीं रहेंगे, चलिए आप मेरे साथ। खोपिका, मैंने भी कहा ना कि मुझे कहीं नहीं। मैं जानती हूँ जाकी जी, एक दोस्त होने के नाते आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे कमरे में रहिए और आज से मैं माँ जी के साथ माँ जी के कमरे में रहूँगी। मैं जानती हूँ जाकी जी कि हमारे बीच की रिश्तों की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है और शायद उन्हें सुलझने में वक्त लग जाए, पर एक बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि इस घर में मैं आपका अपमान नहीं होने दूंगी। आप चलिए, मैं आपका सामान आपके कमरे में शिफ्ट करवा दूंगी। लीजिए, खिचड़ी के साथ मसाला छाछ भी लाई हूं, तो चलिए जल्दी जल्दी सब खा लीजिए। दाइमा ने खिचड़ी में मसाले तो बिल्कुल सही डाले थे, कि फिर भी मेरा मन क्यों नहीं खा सकता। वैसे तो आपका सारा सामान मैं लेकर आई हूँ, किसी और भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। और ये क्या जगी जी, दाइमा इतने प्यार से आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई है, आप खाए क्यों नहीं है अभी तक? गोपिका, मुझे दाइमा के हाथ की बनी खिचड़ी नहीं खानी, बल्कि खिचड़ी नहीं, मुझे उनके हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना। पर क्यों गोपिका? देखो, मुझे गलत मत समझ, लेकिन दाइमा को लेके मेरे मन में कुछ खटक रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान हद से ज्यादा प्यार करने लग जाए और जरूरत से ज्यादा आपकी देखभाल करने लग जाए तो शक तो बनता है। अकल के दुश्मन कहेंगे, खाने में मैं कुछ नहीं मिला रही हूं, ये सच है, लेकिन तुम्हारे तेल में जो नफरत मिला रही हूं वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। गोपिका, मैंने कहा ना मुझे खिचड़ी नहीं खानी,
गोपिका तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो मुझे दाई माँ का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा बस, और जब कभी मेरे मन में कोई डाउट होता है तो वो आगे चलकर बिल्कुल ठीक साबित भी होता है। जग्गी जी आप ना खामखा शब्द कर रहे हैं। गोपी, जग्गी बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरह से बिना आग के धुआं नहीं होता, उसी तरह बिना तथ्य के मन में संदेह नहीं पैदा होता। यदि जग्गी के मन में दाई माँ को लेकर संदेह है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ से बिल्कुल ठीक कह रही गोपी। अच्छा ठीक, मैं कुछ खिलाना ही ना, तुम कुछ और बना के लेके आओ अपने हाथों से, मैं वो खा लूं। तुम बहुत भोली हो गोपी, ये मत भूलो कि अब तुम सिर्फ बहू नहीं हो बल्कि सास बन चुकी हो। समीरा जैसी आधुनिक लड़की की सास, इसलिए तुम्हें हर तरह से सतर्क रहना होगा। My dear Ricky darling, रुक क्यों गए? तुम बीच में कहाँ से आ गए? बीच में? मैं समझा नहीं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? What happened, Smita? Everything okay? Nothing's wrong, Samira. मुझे ना नींद नहीं आ रही। चलो तीन पत्ते खेले। I know it's too late, लेकिन हम एक-एक गेम ही खेलेंगे ना, फिर सो जाएंगे। You better. एक्चुअली सच कहूँ तो मैं रूम में अकेले रह ही नहीं सकता, मुझे ना बहुत डर लगता है, स्पेशली रात को। What? Actually, इसको ना बहुत ही स्कैरी स्कैरी ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स यू नो, सो पिंकू हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। चलो पिंकू, लेट्स प्ले। ये गेम तो मैं ही जीतने वाला हूँ। रमाकांत, आंटी जी, आप तीन पत्ती खेलेंगी हमारे साथ? वैसे मैं आपको देख के शौली कह सकता हूँ कि आप ताश बहुत अच्छे से खेलती होंगी। गलत सोच रहे हो तुम। ताश का मतलब घर का सत्यानाश, इसलिए मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य न ताश खेलता है और ना ही जुआ। Oh my God, दिवाली में भी नहीं? दिवाली में पूजा करते हैं हम। तो फिर मेरा मतलब है यहाँ इस वक्त आने की कोई खास वजह थी दादी जी? कल सुबह की आरती में तुम तीनों को हाजिर रहना है, यही बात बताने आई हूँ मैं। Exactly what time? रमाकांत से पूछ लो। केम रमाकांत? नहीं, ये समीरा कौन से नए तमाशे दिखाने वाली है हमें?
क्या हुआ विवान जी, आपने कोई चुटकुला सुन लिया है क्या? लोग यूं ही नहीं कहते कि कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है। अरे पर बात क्या है, बताइए तो सही। रमाकांत के कमरे में मैंने देखा गोपी की, रमाकांत और समीरा के बीच में समीरा का भाई बैठा था। समीरा और उसका भाई ताश खेल रहे थे और तुम्हारा बेटा रमाकांत मुंह फुला कर बैठा था। अब देखना वेवान जी, आपके पोते को अब पता चलेगा कि उसने किस मुसीबत को अपने गले लगाया है। पर माँ जी, क्या आपको लगता है रमाकांत और समीरा के बीच में उसका भाई वो टिंकर है ना, सही है? गोपी, सही तो कुछ भी नहीं है। ना रमाकांत की समीरा के साथ शादी और ना ही उन लोगों का यहाँ हमारे घर में रहना। पर तुम चिंता मत करो गोपी, अपनी पोता बहू को सही मार्ग पर मैं लेकर आऊंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।